गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ द वीडियो फॉर फोर्थ क्लास। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए 3.2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम। आपको इन सम के क्या करना है, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड हम किस तरीके से करेंगे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम नंबर्स को इस तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस तरीके से हमने नंबर्स को उतार लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। ऐड आपसे आता है करना, हम ऐड नंबर्स को किस तरह से करते हैं। ठीक है, 6 और 2 8 8 और 5 13। ठीक है, तो हम 13 में यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1 हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कैरी। ठीक है, इसी तरह 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 16। फिर हमने 1 16 में 1 यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी लगाएंगे। 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैरी। फिर 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6। तो सिंपली हम इनको ऐसे कैरी लगा के जोड़ के लिखेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो ए पार्ट मैंने बता दिया इसका, बी सी डी ई, ये पार्ट्स आपको खुद करने हैं। एफ एक बार देख लीजिए, एफ पार्ट क्या है इसका, देखिए जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, जैसे एफ में दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर, ये एफ है, पार्ट एफ है। जो एफ में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 0 लगा के हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 और 5 हो गया आपका 15। 15 1 लगाएंगे यहाँ पे, हम 1 क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 8 कितने हो गए आपके, 18। तो 18 में हम 8 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी लगाएंगे। 2 और 1 कितने हो गया, 3। 5 और 4 9, 7 जो का तो, और 8 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए और एफ पार्ट बताया है, बाकी के जितने पार्ट्स हैं बी सी डी ई जी एच, ये आपका आज का क्या है, होमवर्क। फिर कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।